एवरीवन, दिस इज कल्याणी एंड यू वाचिंग जी ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही एक बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर आप कोई स्पेशल ओकेजन पर जा रहे हो, अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा डल है, बहुत ही ज्यादा ड्राई फील कर रहा है, तो ये वाला फेस पैक 30 मिनट पहले अप्लाई कर लो, देन इसे वाटर से वॉश कर लो। मैं 100% श्योर हूँ फ्रेंड्स कि आपके फेस बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस, ग्लोई और दिखने में इतनी ज्यादा फ्लॉलेस लगेगी कि आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको चने की दाल और मसूर की दाल सेम क्वांटिटी में चाहिए। दिन मैं इन दोनों को रात भर भिगोने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद मैं इसे ग्राइंडर में डाल लूंगी और 2 बिग टेबल स्पून मिल्क डाल के इसका एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लूंगी। और जितना आप फेस में अप्लाई करोगे उतनी कंसिस्टेंसी आप एक बॉल में ले लो। देन इसमें आप हनी ऐड कर लो 1 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें एक छोटा सा लेमन अच्छी तरीके से निचोड़ लूंगी और उसका जूस इसमें डाल लूंगी। उसके बाद इन तीनों इंग्रेडिएंट को काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी और इसे फेस पर अप्लाई करूंगी। इस फेस पैक का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मसूर। मसूर एक बहुत ही इफेक्टिव ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जिसके रेगुलर यूज से आप अपने फेस में नोटेबल डिफरेंस देख सकते हो। मसूर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह भी वर्क करता है, जिसके कारण हमारी स्किन स्मूथ और रेडिएंट दिखाई देने लगती है। इस फेस पैक में मैंने चना भी यूज किया हुआ है। चना में रिच क्वांटिटी में जिंक प्रेजेंट होता है, जो स्किन के इन्फेक्शन से फाइट करता है, जिसके कारण एक्ने पिंपल्स क्योर होती है। मैंने इसमें लेमन भी ऐड किया हुआ है। लेमन में प्रेजेंट साइट्रिक एसिड स्किन को लाइटन, ब्राइटन और क्रिस्टल क्लियर बनाता है। और लेमन में प्रेजेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के कारण आपके जितने भी पिगमेंटेशन है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने लगती है। मैंने इसमें मिल्क ऐड किया हुआ है। मिल्क में प्रेजेंट हाई क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स आपके डल स्किन को बहुत ही हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है। मैं इस फेस पैक को अपने नेक एरिया और फेस में दोनों में अप्लाई करूंगी। इस फेस पैक को 20-30 मिनट अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ दूंगी, देन नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लूंगी। आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हो, मेरे फेस काफी शाइनी और ग्लोई दिख रही है। आई होप गाइस ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप जा करके इस फेस पैक को ट्राई करिए, उसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय।